आज हम अमड़ा का अचार बनाएंगे। इसको अंबार भी बोलते हैं, अमला भी बोलते हैं, और यह आम का छोटा रूप होता है। ये देखिए इस तरीके से फलता है, और यह स्वाद में आम जैसा ही लगभग होता है, खट्टा होता है। और इसको हम अच्छे से धो लें और इसके बाद इसको सुखवा लें। अब हम इसको चाकू की सहायता से बीच में से दो टुकड़े कर लेंगे। आप अपने मनपसंद आकार में इसको काट सकते हैं। ये इस तरीके से हम सभी को काट लेते हैं। अमड़ा को दो दो टुकड़ों में ये हमने काट लिया है। कोई इसका ये अमड़ा कड़ा होता है, सख्त होता है, तो हम कटना से काट लें, और जो छोटे होते हैं वो चाकू से आसानी से कट जाता है। अब हम इसको धूप में एक कपड़े में फैलाकर 3-4 घंटे के लिए सुखवा लेते हैं। इसको हमने 3-4 घंटे के लिए सुखवा लिया है, और अब हम इसमें हल्दी नमक मिलाएंगे। 1 चम्मच करीब मैंने हल्दी ली है, ये 2 चम्मच के करीब नमक लिया है। इसको भी ऐसे हम डाल लेते हैं और इसको अच्छे से अब हम मिला लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, और जब हम इसको धूप में सुखवाते हैं तो ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को छोड़ दें, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद ही इसमें हल्दी नमक मिलाएं, और अब हम इसको ऐसे ही किसी बर्तन में डालना चाहें या ऐसे ही रख के ढक्कन ढक के और इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें। ये देखिए पूरी रात में इसने ये पानी छोड़ दिया है इस तरीके से। तो अब हम इसका पानी अलग करके इसको फिर से धूप में डाल देंगे 2-3 घंटे के लिए। ये देखिए अब हमारा अमड़ा सूखकर तैयार हो चुका है। अब इसके लिए मसाले में देखिए क्या क्या लगेगा। ये मैंने 4 पोथी लहसुन लिया है, जिसको छील के ऐसे दरदरा पीस लिया है। आधी कटोरी नमक है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 कटोरी सरसों, और 1 कटोरी थोड़ा कम खड़ी धनिया, थोड़ा सा मेथी यानी 1 चम्मच के लगभग ही सौंफ, और 1 चम्मच के लगभग ही करायल। तो अब इसमें से हम कुछ मसालों को भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे, और उसमें सबसे पहले ये मेथी दाना डालेंगे, और इसे हम 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो ये मेथी दाना चटकने लगा है, तो इसमें हम धनिया डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये धनिया भी चटकने लगी है, तो अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए इसके साथ और सेक लेंगे। अब ये जीरा को भी सेकते हुए 1 मिनट लगभग हो चुका है। अब हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों को चटकने नहीं देना है, बस गर्म हो जाने देना है। तो 2-3 बार ऐसे चला के और गैस को बंद कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को छोड़ देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ये 1.5 कटोरी करीब तेल, सरसों का तेल हम गरम कर ले रहे हैं, और इसको अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसकी गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा कुनकुना होने तक इसको ठंडा होने देते हैं। अब हम एक जार में ये भुने हुए मसाले को डाल लेंगे, और साथ ही ये नमक जो हमने लिया था उसको भी डाल देंगे, और अब हम इसको पीस लेते हैं। ये मसाला पीस कर तैयार हो गया है। ये अब तेल हल्का गर्म है, बहुत तेज गर्म नहीं है। इसमें हम सबसे पहले करायल डालेंगे और इसको हल्का कड़कने देंगे। इसके साथ ही सौंफ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ये सिकने ना पाए इसलिए इसको हल्के गरम तेल में इसको हम डाल रहे हैं। और अब इसके साथ ही लहसुन डाल देंगे, इसे भी हम ऐसे मिला लेंगे ताकि इसकी हल्की महक निकल जाए। और अब साथ ही ये लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और हमारा ये मसाला भी बनकर तैयार है। अब हम एक बर्तन में मसाला इसको रख लेंगे और इसके ऊपर ही अमड़ा को डालेंगे। ये पूरा हम इसमें डाल लेते हैं। अब इसके बाद ये जो तेल में मसाला हमने तैयार किया है इसको भी डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने हल्दी नहीं अलग से डाला है, अमड़ा में ही मैंने हल्दी नमक पहले मिलाया था तो उसी समय हल्दी थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी। आप यदि मिलाते समय हल्दी कम डालें तो मसाले में आप हल्दी भी मिक्स कर लें। अब हम इसमें एक ढक्कन विनेगर यानी सिरका इसमें मिला देंगे ताकि ये अचार ना खराब हो। और इसको भी अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा अमड़ा का अचार बनकर तैयार है और इसे अब हम किसी भी सूखे डिब्बे या बरनी में भरकर इसको रख लें और थोड़ा सा इसमें और ऊपर से तेल डालना चाहें तो डाल दें और इसे इस तरीके से बनाकर खाकर देखें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।